जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई थी कुछ दिनों पहले। आप सभी को बता दें, हसीन जहां ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा था। आप सभी को बता दें, 2 साल पहले पुलिस द्वारा अमरोहा में खुद के मोहम्मद शमी घर से निकाले जाने और जबरन जिला अस्पताल में भर्ती कराने का जिक्र करते हुए उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही। दरअसल दोस्तों, उन्होंने कहा कि हर दल के लिए महिला सुरक्षा और स्वाभिमान का मुद्दा सिर्फ चुनावी शिगुफा है, ये बस चुनावी इश्ते हारों तक सीमित है और जब बात रियलिटी की आती है तो सबकी पोल खुल जाती है। अमरोहा निवासी मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन भले ही पश्चिम बंगाल में अपने पैतृक निवास पर हों, लेकिन निगाहें यूपी और खासकर अमरोहा के चुनाव पर बारीकी से लगी है। इसे लेकर वह सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव नजर आई, कुछ ना कुछ पोस्ट क्रिएट करती नजर आई है। बीते मंगलवार की रात दोस्तों बात करें किस तरीके से हसीन जहां ने सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने करीब 2 साल पहले अमरोहा में घटी घटना का जिक्र तक किया। साथ ही मोदी योगी आदित्यनाथ को भी संबोधित करते हुए कहा कि कुछ ऐसे कानून भी बनाएं जिससे हर किसी को न्याय मिल सके। पैसे और शोहरत वाले कानून अलग और गरीबों का कानून अलग, ये कोई बात नहीं हुई, यही होता है ज्यादातर। बस हसीन जहां ने दोस्तों यही नहीं, यहां पर ये भी लिखा कि वह अमरोहा ही वोटर है और अगर कोविड भी बंदिशें ना बढ़ी तो वो आकर वोट भी करेंगे। तो दोस्तों ये बात हसीन जहां ने खुलेआम कहती नजर आई है। तो दोस्तों साफ देखने को मिल रहा है किस तरीके से हसीन जहां भी अब कुछ बड़े कदम उठाती नजर आ रही है यूपी इलेक्शन को लेकर। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि हसीन जहां की यहां से निगाहें किस ओर जाती हैं। आपको बता दें, हसीन जहां और मोहम्मद शमी के बीच खबरें कुछ यूं रही हैं कि दोनों अलग तो हो गए हैं। साल 2018 में काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप लगे थे शमी पर, लेकिन इसके बाद से दोस्तों खबरें ऐसी हैं कि हसीन जहां शमी दोनों अलग अलग रह रहे हैं। तलाक की खबरें अभी तक दोनों के बीच सामने नहीं आई। खबरें ऐसी हैं कि तलाक हुआ है या नहीं, ऐसे कई सारे डाउट भी क्रिएट हुए। लेकिन जो शमी हसीन जहां की बेटी है वो हसीन जहां के साथ ही रहती है। अभी इस समय इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की ओडीआई सीरीज जारी है, लेकिन शमी रेस्ट मोड पर, यानी उनको रेस्ट दिया गया इस सीरीज से। टेस्ट में जबरदस्त गेंदबाजी करी थी लेकिन ओडीआई में मौका नहीं दिया गया है, उनकी जगह युवाओं गेंदबाजों को मौका मिल रहा है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।